हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट एंड ब्लूम्स। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत आज इन हिबिस्कस के प्लांट के साथ और इस क्यूट से फ्लावर के साथ। देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये। तो ये अभी प्लांट क्या है, तो बिल्कुल एकदम पेड़ की तरह हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, जैसे कंटेनर होते हैं, यूज़ करते हैं हम वाटर वगैरह के, तो ये उसी के मतलब हाफ करके इस कंटेनर को लगाया गया है। और आप ये देख सकते हैं, काफ़ी पुराना ये प्लांट है और काफ़ी खूबसूरत से इसमें देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और एक येरा, एक इधर भी है, एक उधर भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। एक फ्रेंड्स यहाँ पे है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत पुराना है हिबिस्कस का प्लांट। एंड मैं आपको इसकी स्टेम भी दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, वो आप डंडी से देख रहे हैं, वो काफ़ी मोटी सी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो बहुत पुराना प्लांट है। इसमें इसके साथ साथ जूही या बेल वाला जो मोगरा होता है, उसका भी प्लांट लगा हुआ है। और जो कि देखिए यहाँ पर ट्रेल कर रहा है कुछ इस तरीके से। ये भी एक प्लांट इसी कलर का है, हिबिस्कस का ही है। तो इसमें भी काफ़ी बर्ड्स वगैरह आई हैं। ये भी लगभग एक छोटे से एक केन में लगा हुआ है। और ये देखिए कंटेनर, इसका भी छोटा सा कंटेनर है। तो फ्रेंड्स, हिबिस्कस बहुत ही हार्डी परमानेंट पक्के प्लांट होते हैं, मैं आपको बता दूं। क्योंकि आप धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आप किसी में भी ये रखिए, ये मतलब परमानेंट चलेगा आपके यहाँ प्लांट। और आप इसको चाहे एक छोटी सी शेप देना चाहते हैं, या फिर छोटा से ही कंटेनर में रखना चाहते हैं, या फिर एक बड़े पेड़ की मतलब पेड़ का रूप देना चाहते हैं इसको, तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये आप जैसे आपका बैकयार्ड है, गार्डन है, आप उसमें भी ये ग्रो कीजिए। बहुत ही मतलब बहुत ही हार्डी प्लांट है ये, परमानेंट है। बाकी खाद देखिए, अभी इसमें तो कोई खाद ऐसा कुछ नहीं है, बस जो इसे सूखी पत्तियाँ होती हैं तो वो इसमें डाल देते हैं, तो उससे ये ग्रो हो जाते हैं आपके। और मल्चिंग देखिए, इसमें ना मल्चिंग का भी काम हो रखा है। ये एक्चुअली मेरी मदर के घर पे जब मैं आई हूँ वहाँ पे ये लगा हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाऊँ। तो मैं जैसे कि देख पा रही हूँ, इसमें मल्चिंग भी कर रखी है। इसके साथ साथ मल्चिंग के लिए ये कुछ टर्टल वाइन की कटिंग्स लगा रखी हैं, जिससे कि धूप में अगर लगे तो मतलब मिट्टी सूखे ना जल्दी से। और मल्चिंग के साथ साथ इसमें क्या होता है, फर्टिलाइज़र का भी ये काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, बाकी मैं आपको इसका फर्टिलाइज़र बता देती हूँ। ये देखिए इसमें भी, अच्छा इसमें हर एक टिप पे गाइस बर्ड ही बर्ड है। ये देखिए फ्रेंड्स, हर टिप पर बर्ड है। तो ये एक तो ना, जिनके भी घर पे सबसे ज़्यादा धूप आती है उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट प्लांट है गाइस, सबसे जैसे कहते हैं बेस्ट। और मौसम भी बहुत खूबसूरत हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे कि बता रही थी कि जिनके भी घर पे बहुत ज़्यादा धूप आती है, बहुत हार्ड उनके लिए, और उनके घर पे जिनके पे जैसे प्लांट नहीं टिकते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट प्लांट है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इसमें, बट हाँ कभी कभार हमें इसको मिली बग से बचाना होता है, क्योंकि मिली बग इसमें जल्दी लग जाते हैं। बट अगर आपका धूप में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है गाइस। आप इसमें मतलब ये ऐसे प्लांट है, किसी भी कंटेनर में एक तो उग जाता है, सबसे बेस्ट पार्ट तो इसका ये है। बाकी मिली बग के लिए आप हफ्ते पंद्रह दिन में आप क्या कीजिए, इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। आप नीम ऑयल के स्प्रे से क्या होगा गाइस, जो मिली बग्स जो लग रहे होते हैं ना, वो इसमें नहीं लगेंगे। तो और नीम ऑयल से क्या होता है, इसमें थोड़ा फर्टिलाइज भी ऐड हो जाएगा, प्लांट फर्टिलाइज हो जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मैं तो इसकी बस बर्ड ही देखी जा रही हूँ, मतलब कहाँ कहाँ किस तरीके से। ये देखिए, ये भी ये 1 2 3
ये तीन तो कल ही खिल जाएंगे मुझे लग रहा है, एक शायद वो भी यहाँ पे भी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि बताया इसकी हर एक टिप पे बर्ड है गाइज, तो बहुत हार्डी परमानेंट प्लांट है। सर्दियों सर्दियों चाहे गर्मी आप इसे लगाइए, कोई भी कंटेनर हो आपका उसमें लगाइए। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है गाइज, और इसके काफ़ी कलर्स आते हैं हिबिस्कस के। अगर आप जैसे न्यू गार्डनर हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि इसको धूप लगनी चाहिए कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 3-4 घंटे की धूप तो इसको चाहिए चाहिए, क्योंकि देखिए ये धूप वाला प्लांट है, बिना धूप के ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं चलेगा, चलेगा तो लेकिन फूल नहीं देगा आपको, फिर ये रहता है इसमें। तो फ्रेंड्स ये भी एक हाइब्रिड तो नहीं, ये भी एक देसी वैरायटी है बट दूसरे कलर का है, ये हाइब्रिड नहीं है शायद। अगर किसी को नॉलेज है इसके बारे में तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए हम गार्डनिंग करते करते हम भी सीखते ही हैं, कि क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है गाइस, सब के लिए कुछ ना कुछ ये लर्निंग ही होती हैं। तो अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे प्लीज़ ज़रूर मुझे कॉमेंट करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है ये देसी आई थिंक गाइज रेड होता है, आई थिंक ये हाइब्रिड ही है, क्योंकि देसी में वाइट और एक पिंक और एक रेड कलर का आता है जो मैंने अभी तक देखे हैं। बाकी मेरे पास एक डार्क पिंक का भी है, वो हाइब्रिड है, क्योंकि गाइज हाइब्रिड मैंने देखे हैं कि वो ज़्यादा टॉल नहीं होता, और ये पूरा लगभग एक पेड़ सा बन चुका है ऑलमोस्ट। ये देखिए आप, और उसको भी देखिए, वो देखिए कितने छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है। गाइज मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो प्लांट है ये रूट बाउंड होना बहुत पसंद करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि रूट बाउंड हो गई है और मुझे मतलब रिपोर्ट करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं हिबिस्कस प्लांट की ये खासियत है गाइस कि इनको रूट बाउंड होना बहुत पसंद है। जितनी जल्दी ये रूट बाउंड होंगे उतनी ज़्यादा जल्दी मैच्योर होंगे और फ्लावर्स भी उतने अच्छे से आपको देंगे, तो इनको रूट बाउंड होना गाइस बहुत पसंद है। तो आप घबराइएगा मत अगर जैसे कभी रूट बाउंड हो जाता है, तो प्लांट ये आपका सालों साल चलेगा और काफ़ी अच्छे से चलेगा। और बाकी मेरे पास भी दो हिबिस्कस हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनको भी जल्द से जल्द लगाऊँ मैं, और क्योंकि एक्चुअली मेरा एक बालकनी में आना है वो प्लांट, तो लेट्स सी कि कब होता है कब नहीं। वैसे सोच रही हूँ क्योंकि अभी रहने ही देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट कर अब सर्दियाँ आने वाली हैं और इन प्लांट्स का भी डोरमेंसी का पीरियड स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं बाकी। और बाकी गाइस खाद में आप इसको कोई भी हिबिस्कस का प्लांट हो आप इसमें फर्टिलाइज़ अच्छे से कीजिए। ये जो प्लांट है गाइस ये पोटेशियम इसको बहुत पसंद होता है, तो एक पोटाश आता है। अगर आपके पास पोटाश नहीं है नर्सरी से आप ले सकते हैं, अगर आपके पास पोटाश नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, केले के छिलके होते हैं गाइस, आप केले के छिलके का मतलब उसको सुखा दीजिए या फिर ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट करके डाल दीजिए, वो अपने आप डीकम्पोज हो जाएंगे और प्लांट को फर्टिलाइज़र मिल जाएगा गाइस। और बाकी अपना जो वर्मी कंपोस्ट हो गया बोन मील हो गया गाइस वो तो आप दे ही सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स। नीम खली आप ऐड करिए जब भी आप मिट्टी में डालें, इससे क्या होगा कि जो मिली बग्स वगैरह का खतरा होता है या कुछ भी कीड़ों का होता है तो वो कीड़े नहीं लगेंगे इन प्लांट्स में। तो आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया बोन मील हो गया पोटाश, देखिए गाइस अगर फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो ज़रूर ये काम कीजिएगा पोटाश, क्योंकि ये इस प्लांट को ना इस हिबिस्कस प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको पोटाश बहुत पसंद होता है। तो आप किसी भी नर्सरी से जाएंगे 50-60 रुपये का पैकेट मिलता है, बाकी डिपेंड करता है नर्सरी पर, तो आप वहाँ से पोटाश ला सकते हैं। ऑरेंज कलर का होता है गाइस, आप ज़्यादा नहीं उसको थोड़ा सा डालिए एक आधा चम्मच, लेकिन पॉट के अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इतना बड़ा पॉट है मेरा, सिर्फ इसमें तो खैर दो प्लांट लगे हैं, लेकिन अगर एक प्लांट लगा होता तो मैं कम से कम इसमें 2 स्पून डाल देती, क्योंकि ये देखिए काफ़ी बड़ा है, ये दिख वैसे रहा है लेकिन ये बड़ा है कंटेनर और प्लांट भी बड़ा है, तो प्लांट के एंड पॉट के अकॉर्डिंग आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र करना भी दिक्कत वाली बात होती है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी, ऑलमोस्ट हो गया है।
कुछ रह गया हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी मैं आपसे नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग गाइज़।